दिल्ली के वीआईपी अस्पताल पर हुई है बहुत बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मैक्स अस्पताल को जीवित शिशु को मुर्दा करार देने का दोषी पाया गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लाइसेंस रद्द करने का ऐलान किया है। मैक्स अस्पताल ने जिस जिंदा बच्चे को मृत घोषित किया था उसकी दो दिन बाद मौत हो गई थी, मगर अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। मैक्स हॉस्पिटल में एक बच्चे का जो इशू हुआ था शालीमार बाग में, उसकी फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है और जो ये हुआ ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इस हॉस्पिटल के साथ पहले भी इनको नोटिस इशू किए जा चुके हैं, ईडब्ल्यूएस के केस में भी, एडिशनल बेड्स के इशू में भी, वहाँ पर भी इनकी गलती पाई गई है। तो मैक्स शालीमार बाग हॉस्पिटल का दिल्ली सरकार लाइसेंस कैंसिल करती है। तो कड़ी कार्रवाई यहां पर दिल्ली सरकार की। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपनी संवाददाता अंजलि सिंह का, जो उस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, वजह क्या बताई गई है रद्द करने के साथ साथ उसे? अंजलि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अमिताभ, क्या क्या वजह बताई गई है रद्द करते हुए? जी देखिए, सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि मैक्स शालीमार बाग का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। वजह जो गिनाई गई है, दरअसल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी जांच की गई उसमें हॉस्पिटल को पूरी तरह से दोषी पाया गया है और साथ ही साथ हैबिचुअल ऑफेंडर भी कहा गया है इस अस्पताल को, क्योंकि पहले भी इसी तरह की नेग्लिजेंसी यहां पर रिपोर्ट होती रही है। और इसके साथ ही इस केस की अगर बात करें तो इसमें भी ना सिर्फ जो बच्चे को इलाज दिया गया उसमें ही कहीं ना नेग्लिजेंसी पाई गई, उसके अलावा एडमिन लेवल पे भी कई ऐसी चीजें पाई गई सरकार की जांच में जिसमें कि हॉस्पिटल की पूरी तरह से जवाबदेही बनती थी। और चूंकि हैबिचुअल ऑफेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है वो चाहें तो इलाज करवा सकते हैं या वो चाहें तो पेशेंट को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अब किसी भी नए पेशेंट को इस अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाएगा। यानी कि एक चीज बता रही अंजलि कि जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है वो चलता रहेगा, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, और जिन्हें मरीजों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना है वो भी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गिरधर त्यागी। डॉक्टर त्यागी, दिल्ली सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो डॉक्टर से अगर आपने जैसे कहा नेग्लिजेंस हुई है तो उनका केस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर करना चाहिए और उनका अगर हमें लाइसेंस सस्पेंड करना है हम सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पूरे हॉस्पिटल को बंद करने से इसका काफी खामियाजा हमारे मरीजों को भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक दिल्ली नर्सिंग होम एक्ट के अगेंस्ट में पूरी इंक्वायरी नहीं की जाए कि भाई क्या वाकई में अस्पताल ने कोई इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से उनको ये बंद करना पड़े, तब तक मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। डॉक्टर ज्ञानी, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि लोक लुभावन फैसला है एक तरह से, क्योंकि जनता का आक्रोश था लिहाजा नियम कानून के तहत ये नहीं किया गया, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर ज्ञानी? हाँ, मैं यही कहूंगा, क्योंकि दिल्ली नर्सिंग होम एक्ट के हिसाब से इंक्वायरी करने में टाइम लगता है और आपको ये देखना पड़ता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की तरफ से कोई इसमें चूक हुई है क्या। अगर तो आप गलती डॉक्टर ज्ञानी एक डॉक्टर की मानते हैं, पूरे अस्पताल को आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए इसे, कटघरे में नहीं रखना चाहिए? नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट। तो डॉक्टर ज्ञानी हमें बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार का कड़ा फैसला एक तरह से, जरूरत से ज्यादा कड़ा फैसला, और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए और उसके बाद ही ये कदम उठाया जाना चाहिए था। अब इसका खामियाजा तमाम मरीज भुगतेंगे, जिस तरह का आक्रोश इस मुद्दे को लेकर था उसी के चलते यह फैसला उठाया गया है। अब आगे क्या, उसके लिए सीधे रुख करेंगे हम रुमाना का।
बिल्कुल अभिसार, यहाँ समझने वाली बात यह भी होगी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें कहा गया है कि ये इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले भी कई गलतियां, कई चूक जो ये अस्पताल कर चुका है। मैक्स शालीमार गार्डन जहां पर ये फैसला लिया गया है कि इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए, शालीमार बाग मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया। जिंदा बच्चे को मृत घोषित किया गया था अस्पताल की तरफ से, परिवार ने बच्चे को जीवित पाया था, ये बड़ी चूक थी जो अस्पताल की तरफ से अंजाम दी गई थी। जिंदा बच्चा जिसे अस्पताल की तरफ से मरा हुआ करार दे दिया गया, परिवार ने बच्चे को जिंदा पाया, बाद में दूसरे अस्पताल में बच्चे की मौत हुई। हालांकि बाद में बच्चे की जरूर मौत हो गई, लेकिन जिस वक्त बच्चा जिंदा था तभी इस मैक्स अस्पताल की तरफ से बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था। अब आगे इस मामले में क्या होगा जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है, ऐसा नहीं है कि आज इसे अस्पताल बंद कर दिया जाएगा। अस्पताल में नए मरीजों का एडमिशन नहीं होगा, मतलब क्योंकि अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो गया है ऐसे में नए मरीजों को अब आप अस्पताल में एडमिट नहीं कर पाएंगे, और साथ ही एक महीने का वक्त, एक महीने में अस्पताल को बंद करना होगा। मतलब वक्त दिया गया है जो मरीज जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में उनके पास पर्याप्त समय हो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने का, इलाज करा रहे मरीजों को शिफ्ट करना होगा अब इस अस्पताल को, एक महीने का वक्त जिसमें अस्पताल को बंद करना होगा। फौरन ऐसा नहीं है कि अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा, हाँ नए मरीजों का एडमिशन अब इस अस्पताल में नहीं हो पाएगा और इलाज करा रहे मरीजों को अस्पताल को शिफ्ट करना होगा। अभिसार बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोमाना। तो एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जनता में बेहद आक्रोश था, मगर जैसे कि आपने एक डॉक्टर को सुना, ये कार्रवाई जो है संभवतः नियम कानून के हिसाब से नहीं हुई और जनता के आक्रोश को जहन में रख के ये कार्रवाई हुई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।